हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वेताज यम्मी रेसिपीज़। दोस्तों, आज हम दिवाली के लिए एक बढ़िया सी स्वीट बना रहे हैं जो कि छोटे या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है, और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, आज हम घर पर ही इजीली अंगूरी रबड़ी बनाएंगे जो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है जिसे हम अभी गर्म करने के लिए रख देंगे, और इस दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे विनेगर ले रही हूँ। तो मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है। आप चाहे तो लेमन जूस भी ले सकते हैं, तो लेमन जूस को आप छान कर लीजिए। और 2 टेबलस्पून विनेगर के सामने मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून पानी ले रही हूँ। तो इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी आप देखिए, दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है। तो बस ऐसे ही बॉयल हुआ तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, और करीब 3 से 4 मिनट हमें ऐसे ही चलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बर्तन में 1 लीटर फुल फैट मिल्क यहाँ पे मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ, जो हमारी रबड़ी बनेगी जिससे। तो अभी आप देखिए, ये दूध थोड़ा सा हल्का सा 3 से 4 मिनट हो चुकी है। तो अब हम इसका छेना बनाएंगे। तो हमने जो पानी और विनेगर का मिक्सचर बना के रखा था उसे हमें धीरे धीरे ऐड करना है, और इसको साथ में चलाते जाना है। ध्यान रहे, पूरा एक साथ में ऐड नहीं करना है, एक एक चम्मच ऐड करिए और इसे चलाते जाइए। ऐसा धीरे धीरे विनेगर ऐड करने से हमारा छेना बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा और ये च्यूई नहीं होगा। तो आप देखिए, बढ़िया सा छेना हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है जिसे मैंने छलनी के ऊपर रख दिया है, और हमने जो दूध फाड़ के रखा था उसे हमें अभी स्ट्रेन कर लेना है। तो अच्छे से इसका पानी निकाल लेना है। और ये वे प्रोटीन है, आप इसे दाल या सब्जी में ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक है पानी। तो हमने जो छेना निकाला था उसे हमें अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी विनेगर का फ्लेवर जो भी आया होगा वो पूरा निकल जाए। तो अभी हमें कपड़े को दबा कर अच्छे से पानी निकाल लेना है, और अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम हमारी रबड़ी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूध भी बॉईल होने को आ गया है। तो यहाँ पे रबड़ी बनाने के लिए आप फुल फैट का ही इस्तेमाल करें, और छेना बनाने के लिए काऊ मिल्क का। तो इस दूध में मैंने अभी करीब 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। आप जैसा स्वीटनेस खाते हो उस हिसाब से आप शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा ड्राई फ्रूट मैंने अभी ऐड किए हैं, थोड़े बाद में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, और थोड़े हमने केसर के धागे ऐड किए हैं। तो इस दूध को अभी हम बॉईल होने देंगे। तब हम हमारा छेना देख लेते हैं। तो छेने को अभी यहाँ पे मैंने एक थाली में निकाल लिया है, और अभी हमें इसे अच्छे से मसलना है। इस जगह से हमें इसको अच्छे से मसलना है। छेना एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए, एक भी हमें इसमें लंप नहीं चाहिए। अभी आप देखिए, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा है, और आप देखिए अभी एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। करीब 3 से 4 मिनट लग जाएगा इसको इस तरीके से आप। और यहाँ पे मैं भी हल्का सा 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, बट कॉर्नफ्लोर ऐड करने से एक श्योरिटी मिल जाती है कि ये फटेंगे नहीं। तो हमारा अभी छेना एकदम बढ़िया सा रेडी हो चुका है। अब देखिए, इसमें हाथों में ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो अभी हम इसके छोटे छोटे से अंगूर बना लेंगे। ये छोटे छोटे होते हैं अंगूर, और थोड़ा सा बड़ी साइज़ में अगर आपने किया तो ये रसगुल्ला बन जाएगा। तो ये अंगूर भी एक मिनी रसगुल्ला ही होता है। अब देखिए, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, और इस तरीके से हमें सारे अंगूर बना लेने हैं। आप इसे छोटी साइज़ में ही रखें। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए 1 कप शुगर ली है, और उसके सामने यहाँ पे मैंने अभी 4 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे, और इसके अंदर हमारे अंगूर डालेंगे। तो हमारे अंगूर अभी डबल साइज में हो जाएंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है, साथ में हम रबड़ी का भी देख लेते हैं। रबड़ी भी हमारी ऑलमोस्ट होने को आई है। तो यहाँ पर अभी मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो कलर के लिए पिंच येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हम इसे अच्छे से ठंडी होने देंगे।
तो हमारे यहाँ पे चाशनी के लिए पानी भी बॉईल हो चुका है, तो अभी हम इसमें सारे अंगूर ऐड कर लेंगे। वन बाय वन हमें सारे अंगूर ऐड कर लेना है और हमें टोटल 10 मिनट इसको कुक करना है। तो शुरू में हमें गैस का फ्लेम फास्ट ही रखना है और इसे ढककर 5 मिनट के लिए कुक होने देना है। 5 मिनट के बाद ही हमें ढक्कन खोलना है। आप देखिए अंगूर के साइज कितना डबल हो चुका है। तो अभी हमें उल्टे चम्मच से हल्के हल्के धीरे से इसे हल्का सा चला लेना है ताकि इवनली हमारे अंगूर कुक हो, और वापस ढककर स्लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो अभी 5 मिनट हो चुकी है और हमारे अंगूर भी बढ़िया से रेडी हो चुके हैं। हम देखिए कितना बड़ा साइज हो चुका है और एकदम स्पॉन्जी बढ़िया से हो चुके हैं। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। तो भाई आप देखिए ये हमारे अंगूर चाशनी के नीचे चले गए हैं, इसका मतलब ये बढ़िया से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का थोड़ा ठंडा पानी लिया है, उसमें सारे अंगूर ऐड किए हैं। तो अभी मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ ये कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो आप एक कटोरी में यहाँ पे मैंने अलग एक अंगूर लिया है और इसका मैंने पूरा चाशनी निकाल दिया है और अब इसको मैं वापस से चाशनी में डाल रही हूँ, तो ये पूरा चाशनी सोख लेगा। तो आप देखिए कितना स्पॉन्जी बना है हमारे अंगूर। तो आपने देखा ना, ये अंगूर ने वापस से चाशनी सोख ली है, इसका मतलब हमारे अंगूर एकदम बढ़िया से बने हैं। तो मैं आपको एक अंगूर तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से भी कितने स्पॉन्जी है और कितने मस्त जाली आई है इसमें। आप देखिए अंदर से कितने बढ़िया से दिख रहे हैं, एकदम जाली दिख रही है इसकी। तो इसको अभी हमें सारे अंगूर के थोड़ा थोड़ा चाशनी निकाल लेना है और इसे एक सर्विंग प्लेट में हमें ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे अंगूर से चाशनी निकाल ली है और अब हमने जो रबड़ी बना के रखी थी, जो हमने ठंडी की है, उसको हमें ऐड करना है। तो इसे अभी करीब 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रखना है ताकि एकदम बढ़िया से ठंडी हो जाए। और अभी इसमें हम कटे हुए पिस्ते, बादाम और केसर के धागों से हम इसे गार्निश करेंगे। मेरे पास कुछ ड्राई रोज़ पेटल्स भी है तो मैं उसे भी ऐड कर रही हूँ। तो आपने देखा ना दोस्तों, कितना बढ़िया सी अंगूर रबड़ी हमने घर पे ही बना ली है और आप इसे दिवाली के एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। और दिवाली पे आप इतने प्यार से अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए स्वीट्स घर पे ही बनाओगे तो सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही तारीफ़ करेंगे आपकी। तो दोस्तों आप ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर से करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एन्जॉय योर दिवाली।